से जमानत मिलने के बावजूद भी राणा दंपत्ति की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएमसी की टीम ने नवनीत राणा के मुंबई वाले घर में बने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है। बीएमसी की टीम ने अपनी जांच में पाया कि राणा दंपत्ति ने पूजा घर, किचन और लिविंग रूम बना दिया। जांच के मुताबिक लिफ्ट के पैसेज को राणा दंपत्ति ने शौचालय में बदल दिया है। पूजा घर और किचन को एक साथ जोड़ा गया और उसे लिविंग रूम में तब्दील कर दिया गया है। लॉबी के हिस्से को फ्लैट के अंदर जोड़ दिया गया है। छत के हिस्से को बेडरूम से जोड़ दिया गया है। बालकनी को बेडरूम किचन से जोड़ा गया है। छत के आगे के हिस्से को बालकनी में तब्दील कर दिया गया है। बालकनी को बेडरूम और किचन के साथ जोड़ा गया है। टॉयलेट और दक्षिण पश्चिम के खाली हिस्से को बेडरूम से जोड़ दिया गया है। पश्चिम भाग में मौजूद दो बेडरूम को एक साथ जोड़कर बड़ा बनाया गया है। अमरावती की निर्दलीय विधायक और सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें अब फिर लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कहें तो जो है मुंबई के खार इलाके में हम हैं, उनके फ्लैट के पे जो 8वें फ्लोर पे आप देख सकते हैं, यहीं से ही उन्होंने हनुमान चालीसा की पाठ करने की बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर की थी। ऐसे में यहीं से ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब इसी फ्लैट को जो है अब बीएमसी द्वारा अवैध बताया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, इस फ्लैट के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो 8वें फ्लोर पे जब उनका जो उनकी फ्लैट है, फ्लैट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, बीएमसी के द्वारा कहना है कि वह पूरी तरीके से अवैध है। इसमें पूजा का जो घर, जो पूजा का रूम है, उसे किचन को लिविंग रूम बना दिया गया है। बीएमसी की जाँच के मुताबिक जो लिफ्ट का पैसेज है उसमें राणा दंपत्ति ने शौचालय में बदल दिया है। पूजे के घर को उन्होंने किचन के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में लिविंग रूम को लिविंग रूम में तब्दील कर दिया है। लॉबी के हिस्से को उन्होंने फ्लैट के अंदर जोड़ दिया गया है और छत के हिस्से को बेडरूम में जोड़ दिया है। छत के आगे के जो हिस्सा है उसे बालकनी की ओर तब्दील कर दिया गया है, जो आप वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ऐसे में आपको बताएं, जो टॉयलेट का जो हिस्सा है वो लिफ्ट के अंदर था, वहाँ पर शौचालय का हिस्सा बना दिया गया है। जो पश्चिम में खाली हिस्से को जो बेडरूम से जोड़ा गया था, कुल मिला के कहें तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कई गलतियां हैं वो बीएमसी ने बताई हैं। और आपको बता दें, इसी को लेकर कल मंगलवार के दिन में बीएमसी ने यहां पर आई थी, सर्वे किया और सर्वे के बाद में जो है अब उन्होंने कल उन्हें नोटिस भेज दिया है। ऐसे में कहें तो जो है राणा दंपति अब दिल्ली पहुंची है और दिल्ली के बाद में अब मुंबई में भी उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और लीलावती अस्पताल में भी जब उनका इलाज चल रहा था स्वास्थ्य को लेकर, उस दौरान भी बीएमसी द्वारा भी उनको नोटिस जारी किया है। तो एक तरीके से कहें राणा दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यहां पर भी राणा दंपत्ति जो है अब लगातार जो है उन पर भी मामले जो है बीएमसी के द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं। बीएमसी ने राणा के खार स्थित फ्लैट का 4 मई को निरीक्षण किया था। निरीक्षण से पहले बीएमसी ने एक्ट 1888 के सेक्शन 488 के तहत उनके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया था, जिसमें कहा गया था कि राणा दंपत्ति के घर में अवैध निर्माण किए गए हैं, जिसकी जांच करने के संबंध में मुंबई महानगर पालिका ने घर के दरवाजे पर नोटिस लगाई है। ऐसे में अब राणा दंपत्ति के घर बीएमसी का हथौड़ा चल सकता है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट।